दरगाह एवं आसपास के क्षेत्र में सड़क नाली की मरम्मत कार्य हेतु टीमें लगाई जावे। अभी प्रेसिडेंट साहब जो अंजुमन कमेटी हमारे बीच बैठे हैं उन्होंने भी सारे शेड्यूल के अंदर 5 अगस्त को जुमे की नमाज रहेगी। हमारे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट टास्क या चैलेंज रहता है जिससे मैं निगम को बैरिकेडिंग करना था कि आवारा जानवर नजर नहीं आए, तो 5 अगस्त का शेड्यूल रहेगा। अगर चांद आपको 29 का दिन जाता है तो उस दिन छठी होने की भी संभावना रहेगी। तो जो हमारे लिए जो क्रूशियल डे या चैलेंजिंग डे रहेगा जो अभी तक निकल रहा है 5 अगस्त का रहेगा, जिससे हमें जुमे की नमाज भी देखनी रहेगी, छठी की तैयारी भी करनी रहेगी, तो वो हमारे लिए टारगेट रहेगा। अपने को बेसिकली जो इसका तीन से लेके 10 तक है बेसिकली जो हमारा मैक्सिमम लोड है। इससे पहले हमारी एक्सरसाइज अतिक्रमण दरगाह परिसर के अंदर तो कमी की लोगों को निवेदन है वो करवाते हैं और बाहर पुलिस प्रशासन नगर निगम द्वारा की जावे। दरगाह क्षेत्र में अत्यधिक रोशनी की व्यवस्था की जावे। दरगाह क्षेत्र में रोड कटिंग, मकान निर्माण और मरम्मत कार्य पर मोहर्रम अवधि के दौरान प्रतिबंध लगाया जाए। जी जनाब, चौकी धुलाई हो जाती है, उसके बाद में भी बड़ा बड़ी साहब का चिल्ला है, चिल्ला खुलता है, फिर उसके बाद में जो है मेहंदी की रस्म होती है, उसके बाद में राजीव जी की सवारी होती है। तो ये प्रोग्राम तो पूरे तब दिन के ही रहते हैं। तो इसके अंदर में जो सड़कें हैं, जो पानी की व्यवस्था है, जो ताल खुले हैं, इसको खास करके आपको ध्यान में रख के काम करा रहे हैं। क्योंकि अगर ये दरगाह क्षेत्र में रोड कटिंग, मकान निर्माण और मरम्मत कार्य पर मोहर्रम अवधि के दौरान प्रतिबंध लगाया जाए। दरगाह क्षेत्र में शौचालयों और मूत्रालयों की सफाई व्यवस्था करवाई जावे और मोती कट वाले रस्ते के अवरोध हटाकर रास्ते को क्लियर कराया जाए। मोती कट का प्रशासनिक केंद्र और अस्थायी डिस्पेंसरी हेतु टेंट व अन्य आवश्यक सामग्री निर्धारित समय पर उपलब्ध कराई जावे। समस्त फायर ब्रिगेड गाड़ियां रोज कराई जाकर सुचारू अवस्था में रखी जावे। ताजी सैलाब हेतु मांग अनुसार पानी की टंकियां उपलब्ध कराई जावे। तो आपने बताया कितनी टंकियां आपको कहां चाहिए। आज एडमिशन के साथ हमारी मीटिंग हुई। 1 मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक यहाँ मुहर्रम के प्रोग्राम होते हैं, जिसमें मर्ची खानी, फातह खानी और 8, 9, 10 को आज़ादारी सवारी होती है। और 4 मुहर्रम को बाफरीद बिन शकर हमद चिला खोला जाता है, जिसके लिए मुल्क के कोने कोने से लखों ज़ायरीन यहाँ हाजिर होते हैं। बाफरीद बिन शकर हमद चिले में हाजिर देते हैं, गरीब नाज की बारगाह में हाजिर देते हैं। इसके लिए हमने आज मीटिंग हमारी मीटिंग हुई। एडमिशन पूरा आश्वासन दिलाया है कि जो भी इंतजाम है ज़ाहिरीन की सहूलियात के लिए बारिश के मद्देनजर सबको पूरा किया जाएगा। इंशाल्लाह कोई किसी को तकलीफ नहीं होगी, ये पूरा हमें यकीन है। एडमिशन पूरा यकीन दिलाया तो सारे इंतजाम किए जाएंगे। अल्लाह हाफिज़। बस।